प्रेम को देख के मुझे एक जोक याद आया। इसके तरह मेरी भी दो चीजें बहुत फेमस है। क्या? एक तो मेरी याददाश्त और दूसरी दूसरा मैं भूल गया है। काश मैं भी ये मूवी भूल पाता। एनीवे इंट्रो देखते हैं। जानी दुश्मन इजंट अ मूवी, इट्स एन एक्सपीरियंस। मेरा एक ही नहीं है तो मूवी का राइटर का इंटरव्यू देख लो। मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। ये मूवी है 30-35 साल के कॉलेज गोइंग एडल्ट्स के बारे में, जिसमें से ये दो ठरकी इन स्पाइट ऑफ अटेम्प्टिंग अ रेप ऑन देयर ग्रुपमेट स्टिल इसी ग्रुप का पार्ट है। Because वे प्लीज इन लोगों को माफ कर दो, माफ कर देना चाहिए। माफ कर दो ने? अगर ये हरकत इन लोगों ने प्रीति के साथ की होती तो तुम क्या करते? हाथ पैर तोड़ देता मैं। लेकिन फिलहाल तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे यार। हाँ मतलब मेरी वाली का मत करना, बाकी फॉल एंजॉय। एंड वन फाइन डे ये ठरकी मिमिक्री करके इसे इनकी पार्टी में एक घंटा पहले बुला लेता है। और जब तक वो लोग आएंगे तुम्हारी इज्जत लूट चुकी होगी। एंड शी किल्स हरसेल्फ थिंकिंग कि ये बाकी सबका मिला जुला प्लान था। हेलो क्या हुआ दिव्या? hey, दिव्या प्रॉब्लम हो तो मैं अपनी नई गाड़ी भेज दूं। तुम्हें कल सेलिब्रेशन में आना ही होगा। तुम लोग नीच धोखेबाज हैवान हो। वही बगल से ये बंदा गुजर रहा था एंड ही सीज़ हिज़ बरसों का प्यार डाइंग एंड शी टेल्स हिम टू किल एवरीवन। ये कौन है ये हमें समझने के लिए कई सौ साल पहले जाना पड़ेगा, तो रिवाइंड। ओह गॉड। कई सौ साल पहले जब ये दोनों नाग नागिन थे तो ये दोनों डांस कर रहे थे और इनके पलंग तोड़ डांस से इस साधु की तपस्या भंग हो जाती है एंड ही गिव्स देम अ श्राप कि शील डाई टुडे एंड ही विल लिव अलोन फॉरएवर। यू आर फकिंग यू ब्लड यू ओनली टू रीयूनाइट इन 21st सेंचुरी विद हर एंड सम सुपर पावर्स लाइक शेप शिफ्टिंग, कॉपिंग टर्मिनेटर, मैट्रिक्स, गांड से बाइक निकालना ईटीसी। तो अब ये इस बरगद के पेड़ में बैठ के एक ही हाथ से डांस करेगा। So after losing the love of his life, he becomes a Power Ranger. SPD emergency! And starts the killing spree. जितनी मेहनत स्क्रिप्ट राइटिंग में हुई है उससे थोड़ी सी ही ज्यादा मेहनत इन्होंने कैरेक्टर्स पे किया है। मूवी किसी भी दो क्वालिटी को मिला के एक नया कैरेक्टर बना देती है। फॉर एग्जाम्पल द रिच बट हॉर्नी गाय, आई वॉन्ट अ बर्थडे किस, द एथीस्ट बट अक्षय कुमार, सॉरी सर मैं इन चीजों पे विश्वास नहीं रखता, द गरीब बट चूतिया, मेरे जैसे प्रेम पुजारी को तूने सड़क छाप भिखारी बना दिया। अरे दौलत क्या, मैं तुझे यही 100 का नोट मेरे और रश्मि की शादी में दूंगा जहाँ तू शहनाई बजाएगा, द चैंडलर ऑफ द ग्रुप बट अनफनी। ये स्वागत क्या होती है, मुझे कुछ नहीं मालूम। इतने में एक बुढ़िया आती है, बेटे ये सब चीजें सिखाई नहीं जाती, इनकी कोई स्कूल नहीं होती, और अगर फिर भी तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं चले जाती हूँ। ओह गॉड, द एंग्री बॉक्सर बट लायर, लेकिन दोबारा अगर वो मेरे सामने आए ना तो सांप के बच्चे की दुम पकड़कर मैं उसे जमीन पर पटक पटक कर मार दूंगा। एंड द वन एंड ओनली सोनू निगम, हम लोग सबके सब मारे जाएंगे। यू बस्टर्ड। और ये तो तब भी काफी ज्यादा मेहनत कर दी है इन लोगों ने। द फीमेल काउंटर पार्ट्स आर रिटन सो ब्यूटीफुली कि कौन सी वाली किसकी है हमें ये भी याद नहीं रहता। और एक बंदी की तो रिकॉर्डिंग शायद इन लोगों ने वॉशरूम से की है। उसने दिव्या को वसुंधरा क्यों कहा? मुझे लगता है राजेश ने सबकी आवाजें निकालकर ये घिनौना खेल खेला होगा। बट बाकी स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दिव्या, जब एक दिन उस पे होगा रेप अटेम्प्ट और उसे बचाने आएगा उसका फियांसे सनी देओल। और मेरे दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन है, ये कौन सा गर्ल्स हॉस्टल है जिसके अंदर इतने आराम से एंट्री हो रही है लड़कों की। एंड व्हाइल एवरीवन इज नॉर्मलाइजिंग रेप्स, दिव्या को आती है हर रात एक आवाज जिसे सुन के दिव्या इज लाइक सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। एटीट्यूड देख रहे हो लड़की का, मेरे सामने कुछ ऐसा आ गया ना मैं वहीं हग दूंगा, कोई माइकल रोक नहीं पाएगा मुझे। मेरे नाक बनते ही मेरे माथे पे जो मणि हो उसे उठा के अपनी जबान से छू लेना, उसके बाद तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अपनी जबान से छू लेना, जबान से छू लेना, जबान से छू लेना। गर्ल्स अगर तुम्हें कुछ जीभ से छूना ही है तो इस दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं।
Talking about the Power Ranger, his whole aim in this movie is to kill the main cast. And he has several superpowers like super speed, super strength, regeneration, flame powers. मतलब कुछ भी कर सकता है ये. And then यहाँ पे fight में अक्षय कुमार is heavily injured. And guess क्या होगा? Jump cut to Akshay Kumar being taken to hospital. Or like this shot. अबे मिस्टर चुत्तड़ सिंह, तूने चश्मा पहना है. अपने पावर रेंजर की ना कोई औकात ही नहीं है. वो दिव्या एटीट्यूड दिखाती है. यहाँ ये बॉक्सिंग मैच चल रहा है, सब भाग रहे हैं, बट जजेस और मैच अपनी जगह. टीवी में से इंसान निकल रहा है. कौन हो तुम? वेल डन. अबे भाग भोसड़ी के, टीवी में से इंसान निकल रहा है, तेरा अमेज़न का पार्सल नहीं आ रहा. एंड देन देयर इज सोनू निगम. ये मूवी जब सोनू निगम को ऑफर हुई होगी ना, तो आई कैन ओनली इमेजिन कि क्या कॉन्वर्सेशन हुआ होगा. हे सोनू, तू यार तू तो सही गाता है यार, दिखता भी गोरा है, मूवी करेगा? अरे नहीं सर, मतलब मैं कहां एक्टिंग कर पाऊंगा. सुन तो, मल्टी स्टारर है, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सोनी देओल और भी बहुत चूतियों को लिया है. मूवी ठीक है सर, लेकिन मैं ऐसे इतनी बड़ी मूवी में मैं 5 मिनट के रोल में क्या ही कर पाऊंगा. कर दी ना छोटी बात, तुझे मैं स्टार बनाऊंगा, तेरा रोल सबसे बड़ा कर दूंगा, तू अब बोल. अरे क्या सर, ऐसे मत बोलो. मैं मूवी में सबको मार दूंगा, लेकिन तुझे नहीं मरने दूंगा, तू भाई तू जिंदा रहेगा एंड तक. अरे क्या बोल रहे हो सर, ऐसे थोड़ी चलता है, मतलब इतने बड़े हीरो में. तू रुक, तू एक्ट करेगा, तू सारे गाने भी गाएगा और तेरा एक अलग से म्यूजिक वीडियो भी बनवाऊंगा मैं. अब बोल. देयर इज टू मच सोनू निगम इन दिस मूवी. फॉर एग्जांपल, विलेन सबको उड़ा रहा है, कोई नहीं चिल्ला रहा, सब लोग अपना साइलेंटली उड़ रहे हैं, सब लोगों का ऐसे ही दिख रहा है, बट नॉट सोनू. अनदर एग्जांपल, सब लोग थोड़ी कम ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, बट नॉट सोनू. दिव्या, जहाँ सब लोग तुम्हें इतना मना रहे हैं वहां तुम्हें मान लेना चाहिए, वरना हम लोग सब समझेंगे कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही गुरूर है. ओह गॉड. पूरी मूवी में आई वॉज वेटिंग कि व्हेन विल सोनू डाई. साला पूरी मूवी में जिंदा रहता है. अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, इवन सनी देओल डाइड वंस यार. एक बार को ही गॉट स्टैब्ड एंड आई वाज लाइक फाइनली चलो अब मूवी बेरेबल हो जाएगी, लेकिन नहीं, मरा ही नहीं वो. मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाता हूं. हमारे सांप को मार दिया, हमारे सांप को मार दिया. वो आदमी खुद गर्ल्स हो सकता है, प्यार करने वाला नहीं. तूने मिस्टर अशोक का मर्डर क्यों किया? हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते. परवाना, हमको 500 उधार देगा, हम तेरे को कल देगा. ओ यार 500 क्या, मैं तेरे को 1000 दे दूं. हाँ? लेकिन आज दे. This movie could be saved by one simple advice. Don't have loud sex on people's weak rooftop. Basically, this movie is like our current government. Movie shuru hone se pehle, it looks very promising. Itni strong cast, story, VFX, etc. But jaise jaise story aage badhti hai, you realize it was not one of your best idea to choose this government. I mean movie. चलो अब फटाफट लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और जो ये सब नहीं करेगा, अंडी मंडी संडी, उसको गाली पड़े गंदी. तू जाकर पता करना. इसकी फियांसे की डेथ हो गई है और इसे पता ही नहीं है.